बोलो जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सर्व पितृ अमावस्या पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। हर साल अश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन उन सभी पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं जिनका निधन अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को हुआ होता है। इसके अलावा उन सभी पितरों का भी श्राद्ध करते हैं जिनकी मृत्यु तिथि पता ही नहीं होती। इस साल सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप अपने नाराज पितरों को खुश करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इससे आपके पितृदेव खुश होकर उन्नति देने का आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानेंगे नाराज पितरों को खुश करने के कुछ उपाय। तो पहला उपाय है तर्पण। यदि आपके पितृ देव नाराज हैं तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल, सफेद फूल, काले तिल से कुशा का उपयोग करके उसके पोरों से तर्पण दें। कुशा के पोरों से दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त होता है और वितृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप कुशा से तर्पण नहीं देते हैं तो वह पितरों तक नहीं पहुंचता। ऐसे में आपके पितर अतृप्त रह जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। दूसरा उपाय है पंचबली कर्म। सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म जरूर करें। इसमें आपको भोजन बनाकर उसका कुछ अंश कौआ, गाय, कुत्ता आदि को खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को भोजन का अंश कौआ, गाय, कुत्ता आदि के माध्यम से उन तक पहुंचता है। उसे पाकर वे तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देव अर्यम्मा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे पितृ खुश हो जाते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही हमें चींटी और मछलियों को भी अन्न का दान देना चाहिए। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। पहला है जूता, दूसरा वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण और दसवां है गौ भूमि। आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का भी दान दे सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कुछ भी दान दे सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी हमें श्राद्ध के दिनों में अवश्य कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेड़ पर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप अपने रिश्ते के भांजा, गुरु, नाती किसी को भी भोजन करा सकते हैं। बस वह शाकाहारी होने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 और 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी दीपक जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। 7वां उपाय है गुड़, घी। गुड़ और घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें और फिर ओम पितृ देवता भय मंत्र का जाप करें और फिर इसे दान दे दें। भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे कि यमराज, सोम, अर्यम्मा, सोमसद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, श्राद्ध भवुक,
नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार आदि, इन सब की पूजा करें। सर्वपित्र अमावस्या के दिन परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के एकत्रित करें और फिर उसे मंदिर में दान करें। तो इस तरह से कुछ उपायों के द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी हम दान देंगे अपने पितरों के निमित्त, ब्राह्मणों को जो दान देंगे, दान दी जाने वाली वस्तु हो या भोजन सामग्री हो, उसको मिनसना जरूर चाहिए। अगर हम दान दी जाने वाली वस्तु को अपने पितरों के निमित्त मिनसते नहीं हैं, यानी कि उसके ऊपर से जल नहीं वारते हैं, तब तक हमारे पितरों को वह भोजन सामग्री, वस्त्र या अन्य कोई भी सामान वो पितरों को प्राप्त नहीं होता है। तो यह बहुत अधिक आवश्यक होता है कि पितरों को मिनस करके ही कोई चीज़ दी जाए और दक्षिणा उस पर अवश्य रखी जानी चाहिए। तो बोलो पितृ देव की जय, पितृ महाराज की जय, बोलो जय शिव शंकर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो पितृ देवता की जय। हर हर महादेव।